हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान और डिलाइट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक काफ़ी गंभीर टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन से कोई इंसान कैसे बाहर आ सकता है, क्या ऐसा करे कि तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इससे हम बाहर आ सकते हैं, ओवरकमिंग फ्रॉम द डिप्रेशन के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और ये इतनी गंभीर है कि कई बार कि वो जो इंसान होता है वो आत्महत्या तक कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि बस अब इसके आगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा सोच लेता है और वो न करने वाला स्टेप कर लेता है। तो इससे हम बाहर कैसे आए, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, उसे आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और कोई भी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस, फेलियर, टेंशन आपके दिमाग पर नहीं हावी हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आप डिप्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं, आप फेलियर फील कर रहे हैं, तो आपको जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान है जो मेरी सबसे ज़्यादा केयर करता है, मुझे समझेगा, आप उससे बात कीजिए। आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस, आपसे क्या गलती हो गई और इसकी क्या सॉल्यूशन है। आपको ये भी पता होता है, जो भी बंदा डिप्रेस में होता है उसे ये पता होता है कि इस तरीके से सिचुएशन आ गई है और अब इसमें से अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं इससे निकल सकता हूँ। लेकिन जब तक आप अपने जो नज़दीक की, आपके जो केयर करने वाले पर्सन हैं, उससे अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको जिस पर ट्रस्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबको बताइए, लेकिन आपको जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है उसे बात कीजिए, उसे बताइए कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है या फिर मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे इस तरीके से बाहर निकल सकता हूँ, मुझे मदद करो। और जो इंसान आपकी सबसे ज़्यादा केयर करता है, आपका सच्चा केयर करने वाला है, तो डेफिनेटली आपकी बात को समझेगा और आपको उससे बाहर निकलने में मदद करेगा और आप निकल भी जाओगे। दूसरा स्टेप है, आपको ये करना है कि जब आप उससे बात करें, आप उसके लिए प्रयत्न करें, निकलने का करें, और उसके बाद आपको एक चीज़ पर वर्क करना है कि जो काम आपको खुशी मिलती है ना, वही कीजिए, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। अगर आप किसी, आपको किसी काम में खुशी नहीं मिलती है ना, तो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप, अगर बिना खुशी के, बिना एंजॉयमेंट के अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो उस काम करेंगे तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस फिर से आएगा, अननेसेसरी आपसे एरर होगी और फिर से आप तनाव में आएंगे। लेकिन अगर आपको जिस काम में खुशी मिलती है अगर वो आप कार्य करते हैं तो आप घंटों के घंटों काफ़ी टाइम तक उसे करेंगे और आपको ना तो थकान महसूस होगी, ना तो आपको फेलियर होगा, ना ही उसमें आपको सक्सेस या फेलियर की आपको कदर भी होगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भी उसमें सक्सेस मिल भी है या फिर नहीं भी मिलती है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। और इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आप अपनी खुशी के लिए जो कार्य करते हैं ना, तो आप उसे कई घंटों तक करते हैं और आप उसमें बिजी हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आपके जो माइंड पे है उसमें नेगेटिव थॉट आते ही नहीं, क्योंकि आप अलग ही काम में बिजी हो जाए तो नेगेटिव थॉट आप पर नहीं आते। और दूसरा ये होता है कि आप बिजी हो जाते हैं काफ़ी घंटों तक, काफ़ी टाइम तक उसे कार्य करते हैं, तो उस कार्य में आप धीरे धीरे परफेक्ट होने लगते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलता कि यार जब शुरू किया था तब क्या था और आज क्या है, वो कब आप परफेक्ट हो जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए और उसमें बिजी हो जाइए ताकि नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी ना हो सके। तीसरी सिचुएशन ये करनी है कि जब आप अपने खुशी का काम करेंगे तब भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आएंगे, छोटे मोटे एरर तो होगी, तो आपको अपने आप को सवाल जो है ना, जो पैटर्न हम बरसों से जो पैटर्न पकड़ के रखी ना, वो नहीं फील करनी है, थोड़ा पैटर्न को चेंज कीजिए। कई बार हम क्या बोलते हैं, जब भी हम फेलियर होते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों फेलियर हो जाता हूँ,
मैं बदनसीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, या फिर कोई लोग बोलते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सवाल की जो पैटर्न है ना, वो आप चेंज कर लीजिए। आप पॉसिबिलिटी स्कैनर वाले सवाल पूछिए, जैसे कि मैं इस काम को ऐसा क्या करूँ कि ये जो एरर आई है वो अगली बार ना आए, मैं ऐसा क्या करूँ कि इसके बाहर निकल सकूँ, मैं इस काम को और किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, इस काम को जिसने सक्सेसफुल पाया है वो उसने किस तरीके से किया है तो मैं उस तरीके से करता हूँ। तो अगर आप सवाल को अगर ऐसी पैटर्न से बदल देंगे, पॉसिबिलिटी स्कैनर वाले सवाल अपने आप से पूछेंगे, तो आप पॉसिबिलिटी ढूंढने चालू हो जाएंगे। आप तरीके ढूंढेंगे कि इसे बेटर और कैसे बेटर किया जा सकता है, और इसे कैसे अच्छा कर सकता हूँ। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार फेलियर क्यों आया, फेलियर तो आएगा चाहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी स्कैनर वाले सवाल पूछेंगे अपने आप से, तो आपको सॉल्यूशन मिलना चालू होगा कि नहीं चलो पहले बार इसका पैटर्न से काम किया था, अब ये नहीं इस तरीके से करते हैं, तो रिजल्ट भी अलग आएगा। रिजल्ट आएगा तो फेलियर ना भी आए, नहीं आएगा तो आपको लगेगा चलो निकल गए, अच्छा है, प्रोग्रेस हुआ है, आपको खुशी मिलेगी और आप पर अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं आएगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे। चौथी चीज ये करनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप मन लगा कर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आज की दुनिया में क्या है कि जो भी है उसे इंटरनेट का भी आपको सहारा लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि आज इंटरनेट के कारण कोई भी ऐसा पैशन नहीं है जिसे आप प्रोफेशन नहीं बना सकते। जैसे कि आपको अगर केवल गाने का या फिर नाचने का अगर शौक है ना, तो आप को जो आता है थोड़ा थोड़ा सीखिए, नेट से वीडियो से सीखिए, उसके बाद अपने आप डांस कीजिए। फिर काफ़ी सारी ऐप है जिसमें आप या तो आप गाते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप डांस करते हैं वो अपलोड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे उसमें लाइक आएंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, और धीरे 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 बहुत सारे वीडियोज़ या ऑडियोज़ अपलोड होंगे, तो कब आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे, कब आप फेमस बन जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और वो आपका जो पैशन था वो कब प्रोफेशन बन गया और कब आप उसमें काफ़ी आगे निकल गए वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको बिजी होना है और आपका जो पैशन है उसके लिए इंटरनेट का सहारा लेना है और उसमें लग जाना है। और पांचवी आपको चीज़ ये करनी है कि किसी भी व्यक्ति जो राय देता है ना, तो पहले ये सोचिए कि ये जो व्यक्ति राय दे रहा है क्या उसने आपने जो काम किया वो किया है कभी जिंदगी में। क्योंकि आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे जिसने आप जो काम कर रहे हैं और उसमें जो आपको फेलियर फेस करना पड़ा या फिर आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो काम जिंदगी में उसने किया ही नहीं, और वो बोल रहा है कि यार तेरे से नहीं होगा, तू तो नहीं कर सकता, और तेरा तो यही है। अरे भाई तूने कहाँ किया है। तो यानी कि ऐसे लोगों की जो राय है ना उसे सीरियसली मत लीजिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि आप पहले तो अपनी जो इमोशन है उसे शेयर करें, उसके बाद आप अपने जो खुशी मिल रही है उस काम को करें, उस काम में बिजी हो जाए, बिजी होने के बाद इंटरनेट का सहारा ले और काफ़ी जगह पर अपने काम को स्प्रेड करें, फैलाएं, और बस यही करते जाए। कब आप स्ट्रेस नहीं होगा, कब आप टेंशन में नहीं होंगे, कब कोई आपको तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास आप एक पॉसिबिलिटी स्कैनर बन गए, आप एक पॉसिबिलिटी ढूंढने वाले अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग बन गए हैं, तो आपको तनाव या फिर डिप्रेस या फिर ये सब नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।